नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का आरोही एंड आव्यास गार्डन में। देखिए दोस्तों, मानसून आ चुका है और बारिशें चालू हो गई हैं हमारे एरिया में भी। तो मेरे गार्डन में कुछ प्लांट्स ख़राब हो गए थे गर्मी में, तो अब मैं उनकी दोबारा से कटिंग लगा रहा हूँ। तो ये मेरे पास है जेड प्लांट की कटिंग्स। तो ये और ये है आईपोमिया वाइन। ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट और लुक देती है अपने गार्डन को। अगर आपको कटिंग भी मिल जाए तो भी आप इसको बड़े आराम से कटिंग से उगा सकते हैं। तो ये देखिए, और ये मैंने इसकी दो कटिंग ले ली है और पत्ते अभी मैं इनके हटा दूंगा कटिंग लगाने से पहले। और ये देखिए ब्रायोफाइलम, ये प्लांट भी मेरे गार्डन से ख़त्म हो गया था, तो अब मैं इसको दोबारा से उगाऊंगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी हमारे एरिया में। और ये देखिए, तो चलिए। और ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता है, अगर आपको किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, और ये कुछ पोर्ट्रुलाका। तो चलिए कटिंग लगाते हैं। अगर आपके गार्डन में भी प्लांट ख़राब हो गए हैं तो गमलों को साफ़ कर लीजिए अच्छे से, उनकी प्लांट सूख गया है तो उसे निकाल दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप उनको खाद दे दीजिए थोड़े बहुत और छोड़ दीजिए। वैसे अभी बारिश में ज़्यादा खाद नहीं देते हैं क्योंकि पानी के साथ सारा खाद निकल जाता है, तो लिक्विड खाद ऐसे में हम ज़्यादा देते हैं, सॉलिड खाद में कम देते हैं पौधों को या गमलों में। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है गमलों की, और इसमें पहले भी जेड प्लांट उगा हुआ था दोस्तों। अब ये देखिए, इस तरह से आप 45 डिग्री के एंगल पर काट सकते हैं या ऐसे भी लगा देंगे तो भी लग जाएगा। एक पेचकस की हेल्प से मैं इसमें छेद बना लेता हूँ। ये देखिए, और ये मैंने लगा दिया इसको, और बारिश होगी तो ये आराम से जड़ पकड़ लेंगी कटिंग्स। एक और कटिंग में लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दो कटिंग लगा दी हैं जेट प्लांट की इस गमले में, और अब दूसरे गमले में भी लगा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने बहुत हल्का सा आपको मिट्टी को दबा देना, नीचे से पत्ते हटा देने हैं, और बस ये लग गया है हमारा। और ये देखिए, हाइपोमिया वाइन के मैंने लीव्स सब भी हटा दिए हैं, और अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें देखिए बहुत छोटी छोटी सी आपको रूट दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए नोड्स पर, जहाँ गांठ होती हैं, नोड्स होती हैं, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी आपको रूट स्प्राउट होती हुई दिख रही होंगी। जब हम इसको मिट्टी में दबा देंगे तो यही रूट्स बड़ी हो जाएंगी और नेचुरल रूट बन जाएंगी प्लांट की। तो मैं देखता हूँ इसको, चलो। तो ये मैंने लगा दिया है, और दोस्तों आपको कितना इसको दबाना है तो ऐसे आप दबाइए कि कम से कम दो नोड्स तो इसके मिट्टी में चले जाएं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले हम पेचकस से थोड़ा छेद कर लेते हैं, और अब इसको अंदर डाल देते हैं छेद में। तो ये देखिए, ये मैंने ड्रेसिना भी लगा दिया है मिट्टी में। और भी जेड प्लांट है मेरे पास, तो मैं इनको भी लगा देता हूँ। और ये ब्रायोफाइलम, ये बड़ी वाली पत्ते जो वाली जो वैरायटी होती है, वो वाली वैरायटी का ब्रायोफाइलम है, तो ये भी मैंने लगा दिया है।
तो ये मैंने लगा दिए दो प्लांट इसमें, और अब इनको हम पानी दे देंगे। और ये कुछ कटिंग्स बची हैं, इनको भी मैं लगा लूँगा। पर्सलेन पोर्सुला का तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गमलों में है, लेकिन अब हमें और भी जो गमले खाली हैं उसमें हम इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों इनको अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे दूँगा और फिर इनको कुछ दिन इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखेंगे। अभी बारिश हो भी रही है और कभी कभी जब धूप निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ होती है, तो थोड़ा इनको अभी बचा के ही रखना है सनलाइट से, ज़्यादा तेज़ सनलाइट से। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।